मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कल सडनली प्लान हुआ था, मैं और मेरी दीदी अचानक से निकल गए घर से कि हम लोग को थोड़ा सा घूमने जाना है। कोई प्लानिंग करके नहीं आए हैं। और कल मैंने घर से जब निकली तब मैं वीडियो स्टार्ट नहीं कर पाई क्योंकि इतने जल्दबाजी में हम लोग आए हैं, तो इसी वजह से। एनीवेज अभी हम लोग फाइनली होटल में हैं और आज जाएंगे घूमने आसपास, बीच में जाएंगे। हम लोग अभी रुके हैं होटल जीत में, बहुत अच्छा होटल है, 2 महीना हुआ है, नया होटल है बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक बार रूम दिखा देती हूँ। तो ये है एंट्रेंस और अंदर घुसते ही सबसे पहले यहाँ पे है बेड, वहां पे मेरी दीदी खड़ी है। और यहाँ पे है एक टी टेबल जिसके साथ 2 चेयर है, पीछे बेड के साथ अटैच ड्रायर है एंड वहाँ पे फोन रखा हुआ है एंड लिटिल बिट हम लोग का घर का कुछ सामान है और चार्जर पॉइंट भी है। यहाँ पे एक पेंटिंग है, पंखा है, एसी है, जो नॉर्मली होता है, ये वॉशरूम है एंड ये कबर्ड है जिसमें आप लोग अपना जितना भी जरूरत का सामान, कपड़ा वपड़ा सब रख सकते हैं। यहाँ पे टीवी है, ये और एक टेबल है, डस्टबिन, ये मिरर एंड दिस वन इज वॉशरूम। ऊपर गीजर है, बेसिन, ये तो सबको पता है क्या है, और ये है नहाने का जगह। अब मैं दिखाती हूँ बालकनी। सो ये है बालकनी और बाहर से ऐसा कुछ है नज़ारा, बहुत अच्छा लग रहा है। बस एक चीज़ मिस कर रही हूँ ना कि सामने अगर सी बीच होता, बहुत ढूंढा है हम लोगों ने, एकदम बीच व्यू वाला फ्रंट साइड वाला होटल, लेकिन वो मिला नहीं, सब एकदम बुक्ड है ऑलरेडी। सो एनीवेज ये वाला जो मिला है ये भी बहुत अच्छा है, बीच नहीं है सामने तो क्या हुआ, लेकिन सामने से बहुत कुछ दिख रहा है और आसपास और भी काफ़ी सारा होटल है। और यहाँ पे सुबह सुबह हम लोग का ब्रेकफास्ट आ चुका है, ब्रेड टोस्ट और जैम टोस्ट, उसके साथ ब्लैक टी। ऑलरेडी हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं, सुबह 5 बजे सोचा था कि हम लोग निकलेंगे लेकिन हुआ नहीं, तो फिलहाल जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं और फिर निकलते हैं बाहर। मैं यहाँ पे रेडी हो चुकी हूँ, मैंने ये एकदम सिंपल एक कुर्ती पहना है, नीचे एक ब्लू कलर का लेगिंग्स है एंड दिस इज माई गॉगल्स। बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, अब पता नहीं बाहर जाके क्या हालत होने वाला है, फिलहाल तो मैं एकदम रेडी। तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है न्यू दीघा मार्केट और काफ़ी कुछ मिलता है यहाँ पे, ज़्यादा तो वही घर सजाने का सामान ही मिलता है, शंख और उसके बाद बंगाल में जो पहनते हैं ना शाखा, ये सब ज़्यादा मिलता है यहाँ पे। ये बाहर से मैं दिखा रही हूँ, अभी अंदर तो काफ़ी बड़ा मार्केट है। फिलहाल अभी जाऊँगी थोड़ा साइड सीन के लिए क्योंकि मेन दीघा बीच में काफ़ी बार आ चुकी हूँ, आसपास मैं ज़्यादा घूमी नहीं हूँ। सबसे पहले जिस लोकेशन में आई हूँ अभी घूमने के लिए, यह है चंदनेश्वर मंदिर। ये न्यू दीघा से 12 किलोमीटर डिस्टेंस है, टोटो या पर्सनल कैब या बस कैसे भी आप लोग आ सकते हैं। मंदिर के अंदर जाने से पहले ना ये दो साइड में सब सामान मिल रहा है, पूजा का सामान, बहुत कुछ छोटा छोटा सामान मिल रहा है जिससे आप घर को सजा सकते हैं। सभी को पता है चंदनेश्वर मंदिर के बारे में, बहुत फेमस टेम्पल है, लॉर्ड शिवा का टेम्पल है। मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ, इसके पहले मैं दीघा तो काफ़ी बार आ चुकी हूँ लेकिन ये उड़ीसा में पड़ता है तो मैं यहाँ पे कभी आई नहीं हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने फिर दीदी को बोला कि आसपास का लोकेशन ही घूमना है, तो फिर टोटो भैया ने कहा कि फिर मैं आप लोगों को मंदिर में लेके चलता हूँ जो बहुत ही फेमस है, और यहाँ पे आई हूँ। और अगर मंदिर महादेव का हो तो वहाँ पे तो मुझे आना ही है, एक अलग ही सुकून मिलता है जब हम लोग किसी भी मंदिर में जाते हैं, भगवान के सामने जाते हैं, पूजा करते हैं, तो जो शांति मिलता है मन को, ऐसा लगता है कि जितना भी लाइफ में टेंशन है सब कुछ ख़त्म हो गया है। मंदिर के अंदर ही जो तालाब है, यहाँ पे पूजा करने से पहले सब नहाते हैं, पूजा के बाद भी काफ़ी लोग यहाँ पे नहा रहे थे। मुझे ना थोड़ा पानी से डर लगता है, बचपन में एक हादसा हुआ था मेरे साथ, कभी मैं बाद में शेयर करूँगी, तो मैं थोड़ा डर के जा रही थी लेकिन अच्छा भी लग रहा था। मंदिर से निकल के अभी सीधा आ चुकी हूँ उदयपुर बीच, यहाँ भी मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, यहाँ भी पहले नहीं आई हूँ, काफ़ी बार सुना है मैंने, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी आए थे। इस बीच में आते ही ना मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं वेस्ट बंगाल में हूँ, मैं सच बता रही हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अलग ही वाइब्स आ रहा है।
तो अभी काफ़ी लंबा सीढ़ी है सामने, तो वो चढ़ के जाना है। बीच के पास जाने से पहले ही आसपास कितने अच्छे से सजाया हुआ है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़। हर तरफ बैठने का जगह, बिल्कुल छोटा सा पार्क जैसा बना के रखा है, और देख के लग रहा है कि काफ़ी साफ़ सुथरा होगा। क्लीनिंग का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं यहाँ पर, तो देखती हूँ होप्स हो कि बीच भी बहुत साफ़ होगा, क्योंकि दीघा का बीच ना बिल्कुल साफ़ नहीं होता है, कचरा पड़ा हुआ रहता है थोड़ा। मतलब वहाँ पे भी साफ़ सफाई का ध्यान रखेंगे तो आई थिंक के और भी अच्छा लगेगा देखने में, क्योंकि वैसे तो बीच हर जगह पे सेम ही होता है, सी बीच कोई डिफरेंस तो होता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे से सजा के रखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। कुल्फ़ी ना मुझे बहुत पसंद है, और यहाँ पे देखिए राइट साइड में कुल्फ़ी मिल रहा है, बादाम कुल्फ़ी या फिर बादाम शेक, काजू कुल्फ़ी, ये सब मिल रहा है। और आसपास देखते देखते मैं पहुंच गई बीच के पास, एकदम सी बीच के सामने आके ना मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, मन करता है कब पानी में जाऊँ कब पानी में जाऊँ, एक अलग ही मज़ा आता है। पीछे मेरी दीदी आ रही है थुमक थुमक करके। मुझे ना उदयपुर बीच पसंद आ गया, और जब भी मैं आऊँगी नेक्स्ट टाइम मैं यहीं पर आऊँगी। वहाँ पे बैठने का भी जगह नहीं मिलता है कि पानी के सामने, और यहाँ पे बिल्कुल पानी में ही टेबल दे रहे हैं, चेयर दे रहे हैं, यहाँ पे आप कुछ भी लेके खा सकते हो। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आके, और ये देखिए कितना ज़्यादा क्राउड है। और एक चीज़ मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे तो किसी भी बीच में वैसे अलाउड नहीं है कि आप ड्रिंक्स ले सकते हो, लेकिन उदयपुर बीच में आप यहीं पर दिन में भी और शाम को भी जब भी आप लोगों को चाहिए यहाँ पे आप लोग बियर ले सकते हो, ड्रिंक्स अलाउड है यहाँ पे। स्टार्टर में भी काफ़ी कुछ मिल जाएगा, यहाँ पे एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, जैसे कि बॉल लेके तो बचपन में बहुत ज़्यादा खेलते थे जब भी फैमिली के साथ आते थे कभी भी बीच में। न्यू दीघा बीच में पैराग्लाइडिंग होता है, और उदयपुर बीच में स्पीड बोट में बैठ के आप जा सकते हो। होटल में आईने में जाके हम दोनों अपने आप को पहचान तो नहीं पाएंगे। बाप रे बाप, बहुत ज्यादा धूप है, लेकिन मजा भी बहुत आ रहा है। उदयपुर बीच अभी तक आप में से जो जो नहीं आए हैं ना, तो डेफिनेटली आइए, बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि स्पीड बोट में चढ़ेंगे, पता नहीं, अभी जा रही हूँ फिलहाल, कल जरूर आऊंगी मैं। मैंने जो टारगेट किया था ना सुबह 4 बजे या 5 बजे बीच में आने का, कल हम लोग रिटर्न भी जा रहे हैं, एक दिन के लिए ही आए हैं, सडनली प्लान किया है, और कितने दिनों का होगा, लेकिन ज़रूर कोशिश करूँगी कल सुबह सुबह एकदम जाऊँ बीच पे, अर्ली मॉर्निंग सनराइज देख पाऊँ। काफ़ी देर तक मैं सोचती रही कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन लास्ट में नहीं जा पाई, मुझे पता नहीं बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, तो दीदी चली गई। में चार्ज ज्यादा नहीं था, इसलिए उदयपुर से रिटर्न आते टाइम मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई, तो अभी होटल वापस आ चुकी हूँ। और मैं कैसे गई थी और मैं कैसे आई हूँ, पूरा एकदम काला क्या ही हो गया, कोई नहीं, लेकिन मजा तो करना ही पड़ेगा ना, वो नहीं छोड़ सकते, एक दिन के लिए आए हैं, तो अभी मैं जल्दी से फ्रेश हो जाती हूँ और मैं इसी वीडियो को कल कंटिन्यू करूंगी।